देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर भाजपा संगठन तथा मोर्चा प्रकोष्ठ द्वारा सेवा एवं समर्पण पखवाड़ा चलाकर लोगों के बीच पहुंचेगी, जिसकी पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई। देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा समर्पण पखवाड़ा के रूप में मनाने जा रहा है, जिसके तहत आर्थिक प्रकोष्ठ, व्यापारिक प्रकोष्ठ, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के नेतृत्व में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे, जिसकी जानकारी शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। भाजपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने पत्रकारों के समक्ष आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर के दिन जन्मदिन मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पूरे देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा एवं समर्पण पखवाड़ा का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें भाजपा संगठन तथा मोर्चा प्रकोष्ठ को अलग अलग कार्यक्रम करने की जवाबदारी दी गई है। इसमें वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, विकलांगों को अंगदान प्रदान करने, स्वच्छता अभियान जैसे अनेकों कार्यक्रम तय किए गए हैं। साथ ही 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का तथा पखवाड़ा समापन 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती दिवस भी मनाया जाएगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पूरे देश में लगभग 12 जाति के लोग थे जो मातात्मक छुट्टि के कारण उनका जनजाति वर्ग का लाभ नहीं मिल पा रहा था, और ये पिछले काफ़ी समय से वो जनजाति वर्ग के लोग ही थे जिनके जाति में मात्रात्मक छुट्टी हो गई थी, जिसके लिए हमारे इस प्रदेश के डॉक्टर रमन सिंह जी और यहाँ पर राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी, सांसद मोहन मंडावी जी, गोपी साय जी, सारे सांसदों ने 2020 में ही नरेंद्र मोदी जी से मिले, जनजाति मंत्रालय अभी मुंडा जी से मिले और उनसे मांग की कि ये जो जाति के लोग हैं, 12 जाति के लोग हैं, उसको जनजाति वर्ग में शामिल किया जाए ताकि उनके बच्चों को शिक्षा, दीक्षा, नौकरी, सारे चीज़ों में उनको लाभ मिल पाए। और हम आदिवासी समाज की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहेंगे जो आदिवासियों की इस बहुप्रतीक्षित मांग पर उन्होंने मोहर लगाकर आज आदिवासियों को लाभ पहुँचाया। पिछले 14 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में 5 प्रदेशों के विभिन्न जाति समूहों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पास किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ से 12 जाति समूहों को जनजाति की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के लगभग 85 लाख जनजातियों की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि लंबे समय से संवैधानिक अधिकारों से वंचित हमारे जनजाति भाइयों को उन्होंने जनजाति सूची में शामिल करने का जो निर्णय लिया, इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म 17 तारीख से लेकर के राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती को 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं। इस तारतम्य में 17 तारीख को दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी संगठन के अंतर्गत 6 जगह रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें हमारे दुर्ग में ऋषभ नगर, उसी दिन हमारे 13 मंडलों में सभी जगह वृक्षारोपण, और अभी जिसका आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए 19 तारीख को व्यापार प्रकोष्ठ, आर्थिक प्रकोष्ठ के तीनों के लाइन्स के द्वारा विकलांग, पैर से जो विकलांग बंधु बांधव बहने हैं उन लोगों को निःशुल्क मशीन देने का काम चल रहा है। इसी प्रकार पूरे 15 दिन भिन्न भिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।